साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में कहानी। इस कालखंड का सामान्य परिचय देते हुए कहा जा चुका है कि स्वाधीन भारत के सुदूर क्षेत्रों में निर्माण कार्य, आम चुनावों, राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना जगाने एवं शिक्षा का प्रसार होने से इन क्षेत्रों का संबंध नगरों से सघन तौर पर जुड़ा, जिससे आंचलिक साहित्य सामने आया। साथ ही साथ स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार होने और उनके द्वारा नौकरी करने से परिवार में उनकी स्थिति बदली। नगरों महानगरों में औद्योगिक विकास होने से सामूहिक जीवन का महत्व सामने आया। व्यक्ति का मनोजगत कहीं अधिक जटिल हो गया। हिंदी कहानी पर इस सब का दबाव पड़ा। इससे वस्तु संवेदना के साथ कहानी का रूप विधान भी बदला। सन 1955 के आसपास नई कहानी आंदोलन चल निकला। इस कहानी आंदोलन को प्रवर्तित और प्रतिष्ठित करने में नई कहानियां के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नई कहानियां के माध्यम से उन्होंने हिंदी को अनेक प्रतिभाशाली कहानीकार दिए। नई कहानी आंदोलन ने स्वातंत्र्योत्तर स्थितियों के दबाव से पैदा होने वाली मानसिकता की जटिलता को अपनी संवेदना में समेट लिया। इसीलिए नई कहानी की वस्तु संवेदना के अनेक पक्ष हैं। उन सभी को सामूहिक तौर पर नई कहानी की वस्तुगत विशेषताओं में गिना जाता है। आंचलिकता, नए पारिवारिक संबंध, भ्रष्टाचार, व्यंग्य, विडंबना आदि नई कहानी की संवेदना का निर्माण करते हैं। शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ, मार्कंडेय की गुलरा के बाबा चरित्र प्रधान ग्रामीण कहानियां हैं। आंचलिकता की चर्चा वस्तुतः रेणु के उपन्यास मैला आंचल से शुरू हुई। रेणु की कहानियों में पात्रों की चेष्टाएं, भाषा आदि क्षेत्रीय वातावरण में घुली मिली होती हैं। इंद्रिय बोध, लोक कथा, लोक धुने रेणु की कहानियों के विशिष्ट उपादान हैं। अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम में 40 वर्षीय ग्रामीण गाड़ीवान हीरामन और नर्तकी हीराबाई के परस्पर आकर्षण की कथा के आधार पर रेणु ने कहानीकार के रूप में मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। भारतीय समाज, विशेषतः सवर्ण समाज में नारी की स्थिति दयनीय रही है। स्वाधीन भारत में शिक्षित और नौकरी प्राप्त नारियां भी कहानियों का पात्र बनने लगीं। मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी में नायक उद्विग्न है। उसे पाठक की सहानुभूति की तलाश है। कारण ये है कि पत्नी उसकी उपेक्षा करती है। पत्नी नौकरी करती है और आर्थिक तौर पर स्वतंत्र है। नर नारी के प्रेम की अवधारणा में जो उदारता कहानियों में दिखलाई पड़ती है, उसका कारण कहीं न कहीं नारी का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना और शिक्षित होना भी है। इस दृष्टि से कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया और रविंद्र कालिया की कहानी 9 साल छोटी पत्नी उल्लेखनीय है। स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर एक साहसपूर्ण लंबी कहानी कृष्णा सोबती की
मित्रों मरजानी है। बदलते हुए पारिवारिक संबंधों के साथ मध्यवर्गीय व्यक्ति अनजाने ही क्रमशः अपनी मानवीय संवेदना खो बैठता है। इसे राजेंद्र यादव ने टूटना जैसी कहानी में व्यक्त किया है। आधुनिक जीवन में हमारे परंपरागत मूल्य कितनी आसानी से टूट जाते हैं, इसे शानी ने इमारत दहाने वाले कहानी में दिखाया है। शानी मानव संबंधों को उभारने में कुशल हैं। इस प्रसंग में नारी जीवन की एक रस्ता को मार्मिक तौर पर उभारने वाली कहानी रोज का उल्लेख अनिवार्य है। इसके लेखक अज्ञेय हैं। इस बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति को हिंदी कहानी में चीफ की दावत और वापसी के माध्यम से भीष्म सहानी तथा उषा प्रेमवदा ने दर्शाया। चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। वापसी निहायत निर्मम ढंग से ये दिखाती है कि सेवानिवृत्त होकर मनुष्य अपने ही परिवार में किस तरह फालतू हो जाता है। वापसी कहानी में टूटते हुए संयुक्त परिवार की विवश स्वीकृति है। स्वाधीन भारत में गुजरती हुई पीढ़ी का वास्तविक यथार्थ तीव्रतम रूप से अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टरी में व्यंजित हुआ। इस कहानी में डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा देता है बेटा और आतुरता की धार पर वेदना सहता है पिता। पिता की पुत्र से आशाएं आकांक्षाएं मानो अतीत की वर्तमान के प्रति शुभकामनाएं हैं। सकलदीप बाबू की व्यग्रता और अधीरता की चेष्टा में मध्यवर्गीय समाज की रूढ़ियां, अंधविश्वास, एक रस्ता और उन सब से उबरने की मानसिकता है। अमरकांत की कहानियां हमारे सामाजिक जीवन की अमानवीय स्थितियों को एक यातनागार की तरह पेश करती हैं और इससे उबरने की असफल चेष्टाओं का चित्रण करके यातनाग्रस्त समाज की दयनीयता को और मार्मिक बना देती हैं। अमरकांत की कहानियों में स्वातंत्र्योत्तर भारत का दो मुहापन व्यक्त हुआ है, जिंदगी और जोंक, सप्ताहांत, मूस, मकान, हत्यारे, इसी तरह की कहानियां हैं। आज की विषम स्थिति को झेलकर भी मनुष्य यथासंभव अपनी मूल्यवत्ता संजोए हुए है, ये शेखर जोशी की कहानियों की मुख्य संवेदना है। मूल्यवत्ता को प्रकट करने वाली कहानियां प्रायः भाववादी पद्धति पर रची जाती हैं। शेखर जोशी ऐसी कहानियों को भी जटिल ताने बाने से तैयार करते हैं। इस रचनात्मक क्षमता के वे अकेले कहानीकार हैं जो दबे, सधे और निश्चित ढंग से पात्रों की मानवीयता उभार सकते हैं। कोसी का घटवार का प्रेम, दाज्यू में पहाड़ी लड़के का स्वाभिमान, बदबू में जड़ व्यवस्था का अंग बनने की अस्वीकृति, हलवाहा में निश्चयात्मक बोध आदि उनकी इसी रचनात्मक शक्ति के द्योतक हैं। निर्मल वर्मा मन की गहरी परतों को उघाड़ने वाले कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में परिस्थितियों का प्रभाव मन पर इस तरह पड़ता है कि पाठक मनोजगत में ही रम जाता है। स्थितियों का ठोसपन या उनका बाहरीपन निर्मल वर्मा की कहानियों में कम महत्वपूर्ण है। संगीतात्मकता और दृश्यों का संवेदनशील वर्णन उनकी शैली की विशेषता है। निर्मल वर्मा संवेदना की सूक्ष्मता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है, व्यापकता के लिए नहीं। परिंदे उनका चर्चित कहानी संग्रह है। नई कहानी आंदोलन से अलग रहकर जिन कहानीकारों ने अपनी पहचान बनाई या बनाए रखी, उनमें जैनेन्द्र, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण, चंद्रगुप्त विद्यालंकार उल्लेखनीय हैं। अज्ञेय ने भारत विभाजन के कारण उत्पन्न शरणार्थी की समस्याओं और उनकी स्थिति पर अनेक कहानियां लिखी। जैनेन्द्र
पहले की तरह मन की गहरी परतों को खोलने वाली कहानियां लिखते रहे। नई कहानी आंदोलन से अलग रहने वाले लोकप्रिय और यशस्वी कहानीकार विष्णु प्रभाकर ने धरती अब भी घूम रही है जैसी भावना प्रवण अनेक कहानियां लिखी। विष्णु प्रभाकर सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर हर प्रकार की मानवीय पीड़ा से व्यथित होने वाले वाद मुक्त कहानीकार हैं। भावना प्रवण कहानियां लिखने के लिए निर्गुण और चंद्रगुप्त विद्यालंकार भी विख्यात हैं। हृदयेश की कहानियां यथार्थ की विषमता का व्यंग्यपूर्ण उद्घाटन करती हैं। उनकी कहानी मनु में ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में एक ब्राह्मण कर्मकांडी की यातना का निर्भीक चित्रण किया गया है। शैलेश मटियानी ने अपनी कहानियों में निम्न वर्गीय पात्रों के दारुण जीवन का प्रामाणिक चित्रण किया है। सातवें दशक के मध्य से भारतीय जनमानस में प्रतीक्षा का भाव समाप्त हो चला। इसके स्थान पर मोहभंग और सामाजिक परिवर्तन के लिए आतुरता और अधीरता का भाव पैदा हुआ। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये नेहरू युग की समाप्ति के बाद राजनीतिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की व्यापक मांग का ही प्रतिफलन था। कहानी की रचना में रत होने वाले नवयुवक कहानीकार सत्ता के प्रति आक्रोशमय रवैया रखते थे। उनका ये रवैया उनकी कहानियों में प्रकट हुआ। इन कहानीकारों का आक्रोश और समझ नई कहानी की भाषा को अलग रूप एवं खुलापन देता है और व्यंग्यपूर्ण तेवर भी। भ्रष्टाचार कितना सहज और स्वीकार्य बन गया है, इसकी अभिव्यक्ति इन कहानीकारों की विशेष प्रवृत्ति है। इसी कारण इनकी रचनाओं में घृणा और क्षोभ है। इस प्रवृत्ति के प्रतिनिधि कहानीकार हैं ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, पंकज बिष्ट, असगर वजाहत, मिथिलेश्वर और संजीव आदि। इन कहानीकारों में मिलने वाला व्यंग्य वास्तविक और पैना है। इस बीच कुछ ऐसी कहानियां भी आई हैं जो विकसित स्थिति की संभावनाओं पर भी ध्यान देती हैं। मधुकर सिंह की एक कहानी लहू पुकारे आदमी में दिखाया गया है कि गरीब सवर्ण और गरीब अवर्ण वस्तुतः समान है, और इसी प्रकार अमीर सवर्ण और अमीर अवर्ण भी। ये वर्ग चेतना केवल किताबी बोध नहीं है, चुनावों और शिक्षा का परिणाम है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी सुलह में एक असहाय ग्रामीण पात्र पुलिस और उच्च वर्ग की मिली भगत की पहचान कर अपने ढंग से यानी जालिम को पीट कर सुलह करता है। स्वयं प्रकाश, संजीव, उदय प्रकाश, अखिलेश, मदन मोहन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, विपिन बिहारी, चित्रा मुद्गल, ममता कालिया, विद्यासागर नौटियाल, शिवमूर्ति, दूधनाथ सिंह, हरियश राय आदि आज के प्रमुख कहानीकार हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में कहानी। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर नीरज यादव और पोर्शिया मुखर्जी। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।